नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों वैसे तो मैं इंजीनियर हूं, एमबीए हूं, लेकिन आज मैं डॉक्टर भी बन गया हूं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर आनंद राय के बारे में। डॉक्टर आनंद राय इनको कि आप जानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले के व्हिसल ब्लोअर हैं, जिनको कांग्रेस ने भरपूर यूज़ किया है और कांग्रेस ने उनको यूज़ करके अब फेंक दिया, ऐसा उनका कहना है। ऐसा डॉक्टर आनंद राय ने अब आरोप लगाया है दनादन ट्वीट करते हुए कि कांग्रेस ने उनका यूज़ कर लिया है। कांग्रेस की जो है आशंका, कांग्रेस की मंसूबे जो हैं वो कभी मुद्दे के थे ही नहीं, वैसे सरकार बनाने के थे, इसके लिए उन्होंने उसका दोहन किया है, यूज़ किया है। असल में डॉक्टर आनंद राय व्यापम घोटाले के व्हिसल ब्लोअर होने के बावजूद वे कांग्रेस में शामिल हुए, उन्होंने कांग्रेस और खास करके दिग्विजय सिंह के इशारों पे काम किए और उन्हीं के इशारे पे जो है शिवराज सिंह चौहान जी और भाजपा मध्य प्रदेश पर आरोप लगाते हुए बहुत सारे ट्वीट्स किए, बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलाई, बहुत सारी एडिटेड फोटो भी ट्वीट की जो बात में गलत साबित पाई गई, बहुत सारे जो है ऐसे सबूतों को भी कोर्ट ने गलत माना, झूठे माना और इन लोगों के खिलाफ जो है फिर से दोबारा से जांच के जो है आदेश दिए। उसके साथ साथ और अब जब इन्होंने यह सब काम किए थे सिर्फ टिकट के लिए, सिर्फ कांग्रेस की टिकट पाने के लिए, इन्हें कांग्रेस की टिकट भी नहीं मिली। कांग्रेस ने इन्हें झूठे सपने देखा है कि आप हमारे लिए काम करो, आप शिवराज सिंह चौहान या भाजपा सरकार पर निशाने लगाओ, उन पर निशाना साधो, उनकी साख गिराओ, व्यापम घोटाले में फंसाओ, हम आपको टिकट देंगे, हम आपको विधायक बनाएंगे। तो विधायक बनने के लालच में इन्होंने अपनी इज्जत भी गिराई, साख भी गिराई, अपना ईमान भी गिराया, उसी के साथ साथ अपनी नौकरी भी गवा बैठे। यह सरकारी डॉक्टर थे, सरकारी मुलाजिम थे, इन्होंने अब इन्होंने विधायकी के लालच में, इन्होंने टिकट के लालच में नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया। अब ना नौकरी नहीं और टिकट तो इन्हें कभी मिलनी भी नहीं थी, और नौकरी भी चली गई ना मिली, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है कि डैश 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 ना घर का ना घाट का, या एक कहावत है डायलॉग के, बुरा नहीं मानना, अगर बुरा लगे तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन डैश 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 ना घर का और ना घाट का। उन्होंने दनादन ट्वीट करते हुए आरोप लगाए, टैग करते हुए किस किस को, कमलनाथ को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, दीपक बावरिया को, राहुल गांधी को और विवेक तनखा को। इन्होंने सवाल पूछे लेकिन इन्हें सवालों का जवाब नहीं मिला, ना ही रिप्लाई मिला। अब इन्हें कांग्रेस और मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने दरकिनार कर दिया, इग्नोर कर दिया है। आइए हम देखते हैं इन्होंने ट्वीट में क्या कहा और क्या आरोप लगाए। डॉक्टर आनंद राय ने ट्वीट किया जो है संजीव सक्सेना की फोटो के साथ दिग्विजय सिंह की फोटो को, दोनों तो तीनों साथ में बैठे हुए हैं। इन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि व्यापम मामले में जिस पर 6-6 केस हों, उसने मध्य प्रदेश के युवाओं के सपनों का सौदा कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की हो, उसे गोद में बैठा कर लाड़ करना पड़ रहा है। आपके लिए भ्रष्टाचार का ही मुद्दा था ही नहीं, आप लोगों ने हमें व्हिसल ब्लोअर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया, दिग्विजय सिंह जी। इसी के साथ साथ इन्होंने फिर एक ट्वीट किया जिस पे आप देख सकते हैं संजीव सक्सेना के साथ जो है दिग्विजय सिंह की फोटो है, दोनों बातें कर रहे हैं। और डॉक्टर आनंद राय ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस छत्रपों का हाथ घोटालेबाजों के साथ, व्यापम मुद्दे से आईएनसी इंडिया का कोई लेना देना था ही नहीं। उन्होंने बस व्हिसल ब्लोअर से जान पर खेल कर जो सबूत जुटाए उनका राजनीतिक दोहन किया, लेकिन सफल नहीं हुए क्योंकि इनकी नीयत में खोट थी। पॉइंट टू बी नोटेड, कांग्रेस की नीयत में खोट थी और व्यापम घोटाले के लिए घोटालेबाजों के साथ कांग्रेस जा मिली है और इन्होंने व्हिसल ब्लोअर्स का दोहन किया है। यह साफ साफ डॉक्टर आनंद राय आरोप लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा हूं, डॉक्टर आनंद राय सार्वजनिक रूप से लगा रहे हैं। इसी के साथ साथ एक और ट्वीट किया है डॉक्टर आनंद राय ने और फिर से दिग्विजय सिंह के बाजू में खड़े हुए संजीव सक्सेना हैं और इन्होंने लिखा है कि व्यापम का सरगना मुख्य घोटालेबाज संजीव सक्सेना को मनाने दिग्विजय सिंह उनके घर पहुंच गए थे, दूसरा सरगना गुलाब सिंह केदार को कांग्रेस जो है शामिल करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया आतुर थे, और तीसरे पंकज संघवी को विधायक बनाने के लिए कमलनाथ बेचैन थे। तो यह सब कहा आनंद राय ने। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि संजीव सक्सेना कौन है। संजीव सक्सेना का वैसे तो कांग्रेस से बहुत ही नजदीकियां रही हैं, कांग्रेस के नेता भी रहे हैं, चुनाव भी लड़े हैं और हारे भी हैं। उसी के बाद अब यह बहुत सालों पहले MNIT जो कि उस समय MSCT थी, वहाँ से इंजीनियरिंग पास आउट थे। इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, कई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त भी रहे हैं। इन्होंने कई गुरखे पाले हुए थे जिनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक था रोशन पांडे और एक था अतुल भारती, और भी कई गुरखे थे, क्योंकि मैं भी भोपाली इंजीनियर हूँ, मैंने ही भोपाल से इंजीनियरिंग की थी, इसलिए मैं भोपाल के पानी, भोपाल की हवा, भोपाल की आबो हवा से फैमिलियर हूँ और सभी को अच्छे से जानता पहचानता हूँ। तो
इनके गुरखे भी बहुत ज़्यादा कम नहीं थे, उसके भी मैं आगे खुलासे करूँगा। तो जो संजीव सक्सेना था उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट से शुरुआत की थी, और कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ दूसरे भी काम थे। कांग्रेस के राज में ये फले फूले पनपे, उसके बाद फिर इनके पॉलिटिकल ताल्लुकात हुए। इन्होंने राधारमन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला 2003-2004 के आसपास। उसकी के साथ साथ इन्होंने एक के बाद एक 5 और 6 राधारमन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज की ब्रांच खोल दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और जब इनका नाम व्यापम घोटाले में आया 2009-10 में, और सबूत और साक्ष्य भी पेश किए गए इनके खिलाफ कोर्ट में जो कि साबित हुए, तो ये भाग खड़े हुए, फरार हो गए। ये कई महीनों फरार रहे, ना इनको पुलिस ढूंढ पाई, ना सरकार, ना SIT। कई महीने फरार होने के बाद जब कोर्ट ने, सरकार ने इनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश देना चाहा और इनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए कार्यवाही चालू की, तो जैसे एक बिल से नेवला, चूहा या सांप या गिरगिट बाहर निकल आता है, ठीक उसी तरह से संजीव सक्सेना कहीं से बाहर निकल आए, आत्मसमर्पण किया, कई महीनों जेल में रहे, और फिर लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद, कोर्ट केस लड़ने के बाद, कई वकील लगाने के बाद इन्हें जमानत मिली, बेल मिली, अभी ये बाहर आए हैं। और अब अभी भी इनके ऊपर 6-6 केस चल रहे हैं व्यापम घोटाले के, व्यापम घोटाला, दुग्ध संघ घोटाला, कांस्टेबल भर्ती घोटाला वगैरह 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 कोर्ट केस चल रहा है। इनकी मंशा अब कांग्रेस की टिकट से MLA बनने की थी, लेकिन कांग्रेस ने इन्हें टिकट नहीं दी, तो ये नाराज हो गए थे, तो दिग्विजय सिंह इन्हें मनाने चले गए, जिसका खुलासा कर रहे हैं आनंद राय जी। इसी के साथ साथ आनंद राय जी नहीं, ANI न्यूज ने भी इस घटना को और इस न्यूज को कवर किया हुआ है। ऊपर से डॉक्टर आनंद राय ने एक और आरोप लगाया, आप देख सकते हैं, 3 नेताओं के नाम लिए हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। इनका कहना है कि हर नेता अपने अपने आदमी को, अपने काम के आदमी को टिकट दिलाने के लिए बेचैन था। आप देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आदमी को जो है टिकट दिलाना चाह रहे थे, पंकज जो है संघवी को, और दिग्विजय सिंह जो है दिलाना चाह रहे थे संजीव सक्सेना को, और बाकी जो है गुलाब सिंह किरार को। तो यह इन्होंने खुलासे किए हैं, और इसी के साथ साथ इन्होंने सवाल भी पूछे हैं कांग्रेस से, जिसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। यह भी कहना है डॉक्टर आनंद राय का कि क्या कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में इस घोटाले की CBI जांच का वचन दिया है। इसी के साथ साथ इन्होंने एक और बात कही जो कि आप लोगों को आश्चर्यचकित कर देगी, क्योंकि व्यापम घोटाला बहुत बड़ा घोटाला था, और उसमें जो एक घोटालेबाज है वह नज़र आ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। आप देख सकते हैं यह फोटो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, जिस शख्स की है वही व्यापम घोटाले में आरोपित हैं। और डॉक्टर आनंद राय का कहना है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि व्यापम आरोपी फंदेलाल मार्को के साथ भावी मुख्यमंत्री को, मुझे हंसी आती है, भावी मुख्यमंत्री को नाचना पड़ रहा है, इनके लिए मुद्दा नहीं सरकार अहम है। तो ये भावी मुख्यमंत्री कह के थोड़ा सा गलत ट्वीट कर गए हैं आनंद राय जी, ये कभी हो नहीं सकता है, ऐसे लोग कभी नहीं बन सकते। डेमोक्रेसी आ गई, राजपाट चला गया, लेकिन नेतागिरी, राजाशाही नहीं गई। आज भी ये लोग अपने आप को राजा समझते हैं, जबकि राजा है नहीं, डेमोक्रेसी का माहौल है, और इसीलिए इस डेमोक्रेसी के कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बना पा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने पूरा माजरा देखा, और आपने देखा किस तरह से एक कट्टर कांग्रेसी और फेक न्यूज़ फैलाने वाला और योगी मोदी की एडिटेड फोटो करके ट्रोल करने वाला शख्स अब कांग्रेस के खिलाफ हो गया है, कांग्रेस के विरुद्ध हो गया है, कांग्रेस के नेताओं को आरोप लगा रहा है, टारगेट कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। यहीं आपको बता दूं, डॉक्टर आनंद राय का एक चेला जिसका नाम है अभिषेक मिश्रा, अभिषेक मिश्रा ने अपने गुरु डॉक्टर आनंद राय का साथ छोड़ दिया है, और अभी भी वो कांग्रेस के समर्थन में ट्वीट कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, उसकी वेबसाइट viralinindia.net चल रही है, 5-6 पेज चल रहे हैं जिनमें कांग्रेस का समर्थन किया जा रहा है और एडिटेड फोटोज पोस्ट की जा रही हैं। तो अब तो चेला भी गुरु के काम नहीं आ रहा है, हमें तो हंसी आती है। खैर, जो भी हो, डॉक्टर आनंद राय जी के साथ हमारी और मेरी संवेदनाएं हैं, डॉक्टर आनंद राय जी स्वस्थ रहें, डॉक्टर आनंद राय जी का भविष्य उज्जवल हो, और जो वो सरकारी नौकरी गवा बैठे हैं उसका कुछ हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ना आपको टिकट मिलने वाली है, ना विधायक बनने वाले हैं, और नेता आप कभी थे ही नहीं, आपका दोहन किया गया, शोषण किया गया, जिसके लिए हमें खेद है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आप भोपाल के हैं या मध्य प्रदेश के हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, बेल आइकन बजा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।